भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 39 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट 2 दिन पूर्व जारी की थी, जिसके 24 घंटे के अंदर ही इसे लेकर उज्जैन और सीधी जिले से विरोध सामने आया था। बुधवार को देपालपुर विधानसभा के देपालपुर, हातोद, गौतमपुरा और बेटमा में भी भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। बेटमा से मीठी बावड़ी के पास से शुरू हुई यह विरोध यात्रा राजवाड़ा चौक, अंबेडकर चौराहा, सोसाइटी रोड, पूरा बाजार होते हुए पुनः अपने स्थान पर समाप्त हुई। प्रदर्शनकर्ता अपने हाथों में तख्ती लेकर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नारे लगाकर विरोध करते चल रहे थे। प्रदर्शनकर्ता बाहरी हटाओ, स्थानीय लाओ, मनोज हटाओ, भाजपा बचाओ, अब की बार स्थानीय उम्मीदवार जैसी शक्तियों को हाथ में लेकर नारेबाजी करते चल रहे थे। प्रदर्शनकर्ताओं का कहना था कि भाजपा हाईकमान को अपने फैसले पर पुनर्विचार कर स्थानीय व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये जो अभी हमारे जो देपालपुर में आम जनता की डिमांड है, आम जनता की डिमांड है कि स्थानीय उम्मीदवार और जो बीजेपी हाई कमान है वो हमारे देपालपुर की जो आम जनता की नब्ज नहीं पकड़ रही। सारी जनता चाहती है कि यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार हो जिसके पास हम आसानी से हमारी बातें वहाँ पर रख सके, हमारी बातों को वो सुन सके। और अभी फिलहाल में जो बीजेपी हाई कमान है वो पट्टावाद के कारण थोड़ी सी दिक्कत में है, जिसके कारण यहाँ की जो जनता है वो किसी अन्य व्यक्ति को चुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। और हम भाजपा के जन्मजात साथी, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो बीजेपी बची रहे। इसलिए पट्टावाद को समाप्त करने के बाद यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार की डिमांड है जनता में, और हमारे स्थानीय उम्मीदवार जो भी है वो जनता बनाएगी यहाँ पे। तो हमारी निवेदन है बीजेपी हाईकमान से कि वो स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देवें, जिससे फिर बीजेपी का यहाँ पे माहौल बने। अतला धर्म में जो पट्टावाद के कारण जो यहाँ पे व्यक्तिवाद उत्पन्न हो गया है, तो हमने व्यक्तिवाद को समाप्त करने के लिए पुतला दहन का आयोजन किया था, जिसे पुलिस ने हमारा सफल आयोजन नहीं होने दिया। पुतला दहन वो पुतला था जो हम जिसका हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। मनोज पटेल, चंद्रशेखर यादव, मैं आम कार्यकर्ता हूँ, आम जनता के इसमें हूँ, बीजेपी का आम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।